Hi guys, welcome to my channel Beauty Style Lata. Today I will show you green smoky eye with silver cut crease eyeliner eye makeup. If you like my video, then please like, share, comments, and don't forget subscribe to my channel. Thank you. पहले मैं कंसीलर यूज कर लूंगी. कंसीलर मैं यूज कर रही हूँ मेवलिन एज रिवाइन कंसीलर. इसका शेड है मीडियम शेड. मैं आईलिड पे लगा लूंगी. मैंने पूरे फेस में फाउंडेशन लगा लिया है और आईब्रो भी कर लिया है. आईलिड पे अभी मैं कंसीलर ब्रश से आईलिड को अच्छे से सेट कर लूंगी. अब मैं ग्रीन कलर के जिसमें मार्क किया हुआ है ये ग्रीन कलर में क्रीज के ऊपर मैं लगाऊंगी और ये मैं पहले डैब डैब करके अच्छे से लगा लूंगी. अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी. और हल्का सा विंग करूंगी मैं. सेम ग्रीन कलर में लोअर आईज पे भी लगा लूंगी. अब मैं ये डार्क ब्लू कलर जो मार्क किया हुआ दिख रहा है ये मैं पतली सी ब्रश लेके जहां पर मैंने ग्रीन कलर लगाया है उसी के ऊपर उसकी एजेस ना दिखे तो ब्लू कलर लेके मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी. अब मैं ब्लैक कलर लगा लूंगी आईलिड पे और ब्लैक कलर से ये क्रीज करूंगी. और विंग करूंगी हल्का सा. ये माइसेलर मेकअप रिमूवर से और ये ट्यूलिप से मैं आईलिड को क्लीन कर लूंगी कि ये ब्लैक कलर आईलिड पे जो फैल गया है उसको अच्छे से मैं क्लीन करूंगी और पतली सी ब्लैक कलर का लाइन मैं छोड़ दूंगी जो क्रीज का लाइन होगा. अब मैं आईलिड में कंसीलर फिर से लगा लूंगी और ब्रश से मैं कंसीलर लगा लूंगी आईलिड पे. अब मैं ये एंगुलर ब्रश से ये ब्लैक कलर के आई शेडो हल्की सी पतली सी लाइन छोड़ के मैं आउटर कॉर्नर में अच्छे से लगा लूंगी. एक विंग करूंगी. अब मैं ये ग्रीन कलर आईलिड पे लगा लूंगी. आईलिड के इनर कॉर्नर से लेके जहां तक ब्लैक के एजेस हैं वहां तक मैं लगा लूंगी और एक पतली सी लाइन में
क्रीज के जैसा छोड़ दूंगी। अब ये लाइट कलर में इनर कॉर्नर में लगा लूंगी। आउटर कॉर्नर में ब्लैक और ग्रीन के एजेस को मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं लोअर आईलाइनर पे भी ग्रीन कलर का लगा लूंगी। जो शिमरी ग्रीन कलर आई शेडो है वो मैं लोअर आईलाइनर पे लगा रही हूँ। अब मैं एंगुलर ब्रश से ब्लैक कलर के आई शेडो वाटर आईलाइनर के बाहर लगा रही हूँ। अब मैं बुलेट ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्लैक कलर के जो आई शेडो लगाया है। अब मैं एंगुलर ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लूँगी आउटर कॉर्नर के विंग को। मैं एंगुलर ब्रश में थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया है और इससे मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ कि आउटर कॉर्नर के विंग एकदम शार्प दिखे। अब ये सिल्वर ग्लिटर आईलाइनर है, ये जो मैंने पतली सी लाइन छोड़ा है क्रीज वाला लाइन, इसी लाइन में मैं ये ग्लिटर आईलाइनर लगाऊंगी। ये ग्लिटर आईलाइनर मैं क्रीज पे लगा रही हूँ, बहुत अच्छे से लग रहा है, बट ये कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा है, शायद मेरे लाइटिंग के वजह से। तो आप लोगों के पास अगर कोई आइडिया है जो आप लोग भी अगर करते हो आई मेकअप, तो प्लीज़ मुझे ये बताना कि ये ग्लिटर आईलाइनर कैसे आप लोग कौन से लाइट के शेड में करते हो। अब मैं आईब्रो को भी हाइलाइटर कर लूँगी। अब मैं आईलाइनर लगा रही हूँ, आईलाइनर मैं ज़्यादा विंग या नहीं करूँगी, इनर कॉर्नर से लेके आउटर कॉर्नर तक लगा लूँगी, क्योंकि मेरे आईज ऑलरेडी विंग हैं तो मैं आईलाइनर से कोई विंग नहीं करूंगी। अब मैं मेवलिन के काजल लगा रही हूँ, ये वाटर आईलाइनर पे मैं काजल लगा लूंगी। अब मैं आईलैशेस कर्लर से आईलैशेस कर्ल कर लूंगी। अब मैं मेवलिन के हाइपर कर्ल मस्कारा लगा लूंगी आईलैशेस पे, अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस पे। अब मैं फॉल्स आईलैशेस लगा लूंगी। अब मैं कलर बार के ये सिल्वर कलर आईज के इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ, इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं ब्लैक कलर के काजल से थोड़ा कॉर्नर को अच्छा फिनिशिंग कर रही हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।